साहब जी सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक हूँ साहब जी। क्या बात है, इधर नहीं पहुँचा अभी तक? जी साहब अभी तक तो नहीं आए। बेल बजी साहब, शायद आए हों। बेबी, बाबा इसको बांधे। I'm coming। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड, जल्दी उठ गए आज? हाँ भाई, आज वो तुम्हारी पप्पो की तरफ जाना था इसलिए तुमने बड़ी देर कर दी आज। हाँ, वो निशान ट्रैक में मिल गया था, पार्किंग में काफी देर तक बैठ के उससे बातें करता रहा। अच्छा, कब आया वो? परसों। अब बैठ के नाश्ता कर लो। हालत देखें मेरी, आई थिंक आई शुड टेक अ शावर फर्स्ट। आप कब जा रहे हैं? मैं बस आधे घंटे तक निकल जाऊंगा और क्या, और आज लंच भी वहीं है। चले फिर, रात को मुलाकात होगी। तो क्या मतलब, तुम आओगे नहीं अपनी? साहब जी बाहर कोई लड़की आई है, कह रही है कि आपसे मिलना है। कुछ नाम बताया उसने? जी अपना नाम सारा बताया है और ये खत भी दिया है आपको। सारा? मैं तो नहीं जानता किसी सारा नाम की लड़की को। कहाँ पर है ये? वो जी बाहर गेट पर है। सबा कहाँ है बेटा? अम्मी का 4 दिन पहले इंतकाल हो गया है। सामान सामान कहाँ है बेटा आपका? अभी तो मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि क्या आप इस घर में रह सकते हो या नहीं? ये तुम्हारा ही घर है, सब कुछ तुम्हारा ही। चलो चल के तुम्हारा सामान ले। बाबा जी। जी छोटे साहब। पापा कहाँ गए? वो तो जी उस लड़की के साथ गए। उस लड़की के साथ? लेकिन कहाँ? बता कर नहीं गए जी। अच्छा ठीक है, आप जाइए, अब आएंगे तो मैं खुद ही पूछ लूँगा। ठीक है जी, ठीक है।
आप अंदर आ जाओ। मुझे तो बड़े घर पसंद हैं, खुले दालान वाले घर। मेरा तो दम घुट जाएगा आपके अपार्टमेंट में, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आप बैठ जाए। सभा का बिस्तर है जी। मैं कभी पुराना जूता नहीं पहन सकती, और मुरम्मत करवा कर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप चाय पियेंगे? नहीं बेटा, आप बस अपने कपड़े ले लो, सभा का सामान बाकी सब ऐसे ही रहने दो। लेकिन अंकल, ये तो किराए का मकान है, हमें खाली करना होगा। खरीद लूंगा इसे। क्यों? कब से रह रहे हो तुम लोग यहाँ? हमेशा से। मैं कहाँ जिंदा रह सकती हूँ सब्जे के बगैर, पेड़ पौधों के बगैर, फूलों के बगैर। मेरे घर में बहुत बड़ा सा एक बाग बनवाना होगा आपको, हर रंग के फूलों से भरा हुआ। अंकल, मेरे रहने पर आपके बीवी बच्चों को कोई एतराज तो नहीं होगा? बीवी नहीं है मेरी, अलहदगी हो चुकी है। बस एक बेटा है, उसे क्या एतराज हो सकता है? अम्मी से आपका क्या रिश्ता था? कैसे बताऊं तुम्हें क्या रिश्ता था हमारा? वो क्या लगती थी आपकी? फर्स्ट कजन थी मेरी, चचा जात। ये सूख जाएंगे यहाँ पे,
मैं साथ वालों को दे जाऊंगी। नहीं नहीं, साथ लेके जाएंगे, साथ लेके जाएंगे। चले हाँ, लो मुझे छोड़ो, बहुत भारी है। मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? जो तुम्हारा दिल चाहे, चाहो तो पापा कह लो। मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान, मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान, मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान, मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान। बस तुम दुनिया में इतनी जिंदगी लेकर आई थी सबा, और बस तुम्हें इसी तरह मेरी जिंदगी से चले जाना था, हमेशा की तरह खामोशी से। और अम्मी को सिर्फ अपना कज़न कहने वाला ये आदमी क्यों इस तरह मेरी माँ के लिए बेहाल हो रहा है? इतने सालों से अपने ख़ानदान से कटी रहने वाली एक चचाज़ाद के लिए और कौन कौन है मेरी अम्मी की फैमिली में, और क्या वो सब इसी तरह हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम हैदर, कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो इंतज़ार में बैठी हूँ आरफीन के, उसने आना था आज, क्या कोई काम पड़ गया? पापा पहुँचे नहीं आपके पास अभी तक क्या? नहीं अभी तक तो नहीं पहुँचा, क्यों आने के लिए निकल गया? पता नहीं किसी के साथ गए थे, मैंने सोचा शायद आपके पास वापसी पे आ गए, इसीलिए फ़ोन किया था आपको। नहीं मेरी तरफ तो नहीं आया। पापा मेरे ख्याल आ गए हैं वो, मैं अभी आपसे बात कराता हूँ। ओके खुदा हाफिज़। आपने भी हद कर दी पापा। आओ सारा। आ बेटा है मेरा हैदर। अस्सलाम वालेकुम। हैदर ये सारा है। सारा सॉरी पहचाना नहीं। सबा की बेटी। आओ बेटा आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। सामान बाबू जी ले आएंगे पापा। मैं खुद ले जाऊंगा। आओ बेटा। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। ये आपका बेडरूम, मैं सफदर को भेज देता हूँ, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो उसे बता देना, ठीक है? जी। सुबह से तुम्हें लेके फिर रहा हूँ, पता नहीं तुम नाश्ता करके भी आई थी या नहीं। मैं बोलता नहीं, मैं मैंने नाश्ता किया है। अच्छा चलो शुक्र है, फिर भी मैं चाय वगैरह कुछ भिजवा देता हूँ। अभी आप रेस्ट करो, फिर लंच पर मुलाकात होती है। बेटा ये मैं संभाल के कहीं रख देता हूँ। आप उनसे मिलने गए थे पापा? डेथ हो गई उसकी 4 दिन पहले। सॉरी। मिलेगी दोबारा मुझे, हैदर जी। बेटा वो पापा को फोन कर देना, कहना मैं आ जा नहीं पाऊंगा। जी बड़ा
सबा और सारा के बारे में कुछ मत बताना। And I'm fine, don't worry. सारी उम्र एक कमरे के छोटे से घर में जिंदगी बसर करने वाली मेरी माँ का मेरे अलावा भी कोई और खूनी रिश्ता मौजूद था। मुझे कभी अंदाजा क्यों नहीं हुआ रिश्ता या रिश्ते साल इतनी खामोशी के बाद अब अचानक मुझे किसी ऐसे शख्स के पास भेज देना जो अगर वापसी का सफर इतना ही आसान था तो बहुत साल पहले भी तो शुरू हो सकता था। बीबी जी चाय जी। और किसी चीज की जरूरत तो नहीं आपको? नहीं शुक्रिया। अच्छा जी आरफीन, अपनी बेटी सारा को आपके पास भेज रही हूँ, इसे मेरी फैमिली के पास मत भेजिएगा, अपने पास रखिए, इसे माजी के बारे में मत बताइएगा। सबा करीम। तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत है। अच्छा का फोन है, कोई जरूरी बात होगी, दो दफा फोन कर चुकी है। थैंक यू। मैं इंतजार कर रही थी आरफीन। पापा कुछ जरूरी काम पड़ गया था। ऐसा भी क्या काम पड़ गया तुमको क्या आधे घंटे के लिए नहीं आ सकते? वो मिस्त्री आकर बैठा है, उसे मरम्मत का काम कौन समझाएगा? कल बुलवा लीजिए उसे, कल आ जाऊंगा मैं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना आरफीन? जी मैं ठीक हूँ। पापा अब सबा मर गई। सबा? सबा कब कैसे? 4 दिन पहले। तुम्हें किसने बताया? तुम्हें पता था उसका? अपनी बेटी सारा को भेजा उसने मेरे पास, उसी ने बताया।
एक बार मिल लेती, सिर्फ एक बार। अब्बा उसकी शक्ल देखने के लिए तरस गए थे, उसको आवाजें देते देते मर गए। कहाँ चली गई थी वो, कोई इस तरह करता है? पापा मैं कल बात करूंगा आपसे। आरफी उसकी बेटी को साथ लेकर आना, या मैं आ जाऊं? उस घर में नहीं लेकर आऊंगा पर जहां तू भूला नहीं आरफी, तूने माफ नहीं किया। माफ तो कब का कर दिया, जब सबा ने कर दिया तो मैं कैसे ना करता। पर हाँ, भूला नहीं हूं मैं, कुछ भी नहीं, कम से कम तब तक नहीं भूलूंगा जब तक सांस ले रहा हूं। सारा को की है इतना अजीब आ रही है। How are you feeling now? कहीं जाने से तुमने तुम कहीं नहीं? हाँ कैंसिल कर दिया ऐसे। Sorry to stay with you. Sara nahi aayi, kahan hai? बीबी जी, साहब खाने पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं जी। वो किस तरफ है? इधर आइए प्लीज। मेरी जात जर्रा ए बेनिशान। सालन लोगे बेटा? नहीं, मुझे बिरयानी यूं ही पसंद है। मैं ये सालन वगैरह नहीं खा सकती बिरयानी के साथ। हाँ रायता ठीक है।
लो ये रहता। पापा आप कुछ नहीं ले रहे? हाँ लेता हूँ। बेटा क्या करते हो आप? मास्टर्स कर रही हूँ। किस में? जी इंग्लिश में। गुड। हैदर ने एमबीए किया है फाइनेंस में, मेरे साथ गारमेंट्स के बिजनेस को रन कर रहा है। पापा पिछले पापा ने बहुत मजे की बनाई है। लेता हूँ। बेटा आप लोगे फिश? नहीं मैं फिश नहीं खाती, कांटा होता है उसमें और मैं किसी कांटे में फंसना नहीं चाहती। दरवाजा नहीं खुल रहा मुझसे। इट्स काइंड ऑफ टेक्निकल। आई हैव टू टर्न इट लेफ्ट देन पुश। थैंक यू। प्लीज एक्सक्यूज मी। वो आपकी मदर का सुन के बहुत अफसोस हुआ। मैं आपके पास कंडोलेंस के लिए आना भी चाह रहा था। पापा से बहुत जिक्र सुना था सब आंटी का, बहुत रिगार्ड करते थे उनका। वेरी सॉरी टू हियर अबाउट योर लॉस। अम्मा आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपको पूरे घर में तलाश कर रहा हूँ। आज तुम बड़ी देर से है बेटा। हाँ अम्मा, वो दरअसल मुझे बहुत जरूरी। क्या हुआ आपको? क्यों रो रही हैं आप? आरफिन का फोन आया था, मैं सीमा को सबका इंतकाल हो गया और उसने अपनी बच्ची को आरफिन के पास भिजवा दिया। गुजारी है उसने जिंदगी, कहां रही?